पे लिखाने बैठना। और कैसा लगा फिल्म का? बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आप, तुम्हें सुबह सुबह हमारी याद कहाँ से आ गई? सर क्या लगा? बहुत बढ़िया। ऐसे जल्दी उठने लगता है? आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप वर्मा जी के नोट के बारे में बता रहे थे कि शादी की बात चल रही है। हाँ हाँ बेटा, बात नहीं चल रही, शादी फिक्स कर दी तुम्हारी। बेटा तुमसे पूछने की जरूरत है, हम तुम्हारे फ्यूचर का फैसला गलत लेंगे क्या? संस्कारी बेटी है, उनको बहुत अच्छा बिजनेस है। चल तुम बताओ क्या चाहते हो तुम? बोलो। कब से चल रहा है? तुम 3 साल से स्कूल में पढ़ने जाते थे, इश्क लड़ाते थे? पढ़ते थे तो इश्क कैसे लड़ा लिया? तुम्हारी शादी होगी वर्मा जी की लड़की के साथ, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। आपका बिजनेस स्कूल चल रहा है, कभी बहुत नहीं चल रहा है, इसलिए आप ये शादी कर लो ना। बेटा बिजनेस कहाँ है और शादी कहाँ? तुम बिजनेस और शादी को क्यों जोड़ रहे हो? क्या समझू मैं? तेरी शादी होगी वर्मा जी की लड़की से। पापा प्लीज गुस्सा मत करो, एक मिनट बैठो। करता क्या है तू? मेरी बात सुनो, एक मिनट बैठो। करता क्या है तू? क्या समझू मैं तेरी बात? पापा जिस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं, कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी मम्मी को नहीं जानता था, हमारी भी तो शादी हुई थी ना। प्यार तो एक दिन में हो जाता है, और तू क्या प्यार दिलाएगा उसे? कुछ करता है तू? वाह, अरे नवाब बिजनेस की बीवी आता है, कभी ऑफिस देखा भी है कैसा होता है ऑफिस? पापा बताओ मेरा क्या होता है? अबे अपने बलबूते पे तो कुछ कर ले। तेरी शादी होगी वर्मा जी की लड़की से। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? क्या समझूं मैं? पापा आप जानते नहीं कितनी गंदी लड़की है वो, मेरे अच्छा के साथ नाइट क्लब में घूमने जाती अबे है। अबे चुप, अपनी गलतियां छुपा लिया, उसे बदनाम मत कर। तेरी शादी होगी वर्मा जी की लड़की से। मेरे मुझे नहीं समझती तेरी बात कोई। एक बार उसके घर चले जा, मेरी नजरों के सामने चल। पापा प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? पापा प्लीज एक मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात। मुझे नहीं मिलना किसी से, तेरी शादी फिक्स है। पापा मैं शादी करूंगा तो मोहन से करूंगा, वरना सुसाइड कर लूंगा। अबे नालायक जाकर ले सुसाइड, मेरे सामने मत आ जाना, उसके बाद तेरे को अपनी जायदाद में से 1 रुपया नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से।